हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है शायद पसंद रेसिपीज में। आज मम्मा आपको चोको पाई बनाना सिखाएंगे जो बहुत ही टेस्टी होती है। हेलो फ्रेंड्स, आज ऑलरेडी रेसिपी के बारे में मेरे बेटे ने बता दिया है, तो हम स्टार्ट कर देते हैं कि कैसे हम मार्केट से अच्छी फ्रेश हेल्दी टेस्टी चोको पाई बनाए। हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हमें चाहिए 14 मेरी गोल्ड बिस्किट। आप किसी भी कंपनी के बिस्किट यूज कर सकते हैं। अब इन बिस्किट के बीच में वाइट लेयर बनाने के लिए हमें चाहिए 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर, 1.5 बड़ा चम्मच मिठाई मेट, या आप मिल्क मेट का भी यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो बीच में आप जैम भी लगा सकते हैं, या फिर वाइट चॉकलेट को मेल्ट करके उसे भी लगा सकते हैं, या फिर आप क्रीम का यूज कर सकते हैं बीच में लेयर के लिए। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। इसे आपको मिक्स करना है अच्छे से। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा टाइट लगेगा, पर आप जैसे जैसे इसको थोड़ा सा फेटेंगे तो ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। आपको इसे दबाते हुए इसे मिक्स करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा टाइट है, तो आप थोड़ा सा मिल्क मेट इसमें और डाल सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा इसमें दूध डाल के फिर इसे मिक्स करें। ये इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी रहेगी, ये थोड़ा टाइट ही रहेगा। अब हम मिल्क सिरप तैयार कर लेते हैं। उसके लिए 1 बड़ा चम्मच दूध चाहिएगा और 1/4 छोटी चम्मच कोको पाउडर हम डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जिससे इसके सभी लम्स हट जाएं। अब हम एक बिस्किट लेंगे और उसके ऊपर ये वाइट लेयर लगा लेते हैं। इस तरीके से आपको लगाना है। स्पैचुला अगर आपके पास हो तो स्पैचुला के हेल्प से आप इसे दबाते हुए सभी तरफ एक जैसा लेयर लगा लें, और अगर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, आप चम्मच से ही गोल गोल घुमाते हुए आप उस पर लेयर लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर दूसरा बिस्किट रखना है ऐसे। अब हम इसे मिल्क सिरप के अंदर डिप करना है। आपको 1 सेकंड के लिए एक साइड डिप करना है, फिर टर्न करके दूसरी साइड 1 सेकंड के लिए डिप करना है। ज्यादा देर नहीं इसको रखना है लिक्विड में, और इसके अंदर का एक्स्ट्रा अगर आप दूध हो तो आपको हल्का सा दबा के निकाल देना है। आपको प्लेट पर एल्यूमिनियम फॉइल लगा के रखना है जिससे बिस्किट जो है प्लेट में चिपके नहीं। आप चाहे तो बिस्किट का जो रैपर रहता है वो भी लगा सकते हैं, पर इसे प्लेट पे ना रखें क्योंकि नहीं तो ये चिपक जाएंगे। इसी तरीके से दूसरे बिस्किट पे भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। दूध में डिप करने से होता ये है कि ये बहुत अंदर से अच्छा सॉफ्ट बनता है और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। इसी तरीके से सब कर लेते हैं। ये हर बच्चे को बहुत पसंद आती है, और अगर आप इसे घर पे बना के उन्हें देंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। अब हम इसे 1 घंटे के फ्रीजर में सेट होने देती हूँ। 1 घंटा होने वाला है, उससे पहले हम चॉकलेट मेल्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये मिल्क कंपाउंड है, आप चाहे तो डार्क कंपाउंड का भी यूज कर सकते हैं, या फिर दोनों मिक्स करके भी आप चॉकलेट ले सकते हैं। इस तरीके का ये पैकेट है। यहाँ पर ये 100 ग्राम चॉकलेट है जिसे मैंने क्रश कर लिया है, बारीक कर लिया है। अब हम इसमें 1.5 चम्मच नारियल तेल डालूंगी। आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं मेल्ट करके। आप चाहे तो माइक्रोवेव में भी चॉकलेट मेल्ट कर सकते हैं। मैं आपको डबल बॉयलर मेथड बता रही हूँ। इसमें आपको एक बर्तन लेना है, उसके अंदर ये 1 गिलास मैंने पानी डाल दिया है। अब एक और बर्तन जो इसके अंदर ना डूबे वो बर्तन लेना है। आप चाहे तो कांच का बर्तन ले लें या फिर स्टील का बर्तन ले लें। और इसको अब हम ये रख लेते हैं इसके ऊपर। पानी इसके टच नहीं होना चाहिए। अब हम इसे हिलाते रहते हैं जैसे चॉकलेट नीचे चिपके नहीं। और ये चॉकलेट देखिए मेल्ट होने लगी है। चॉकलेट जैसे ही मेल्ट हो जाएगी वैसे ही हमें गैस को बंद कर देना है। गैस की फ्लेम बिल्कुल कम रहनी चाहिए, इसे हिलाते रहिए। ये देखिए चॉकलेट बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है, और अब हम इसे बंद कर देते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, अभी ये इजीली नहीं गिर रहा है चम्मच से। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा कर लेते हैं। ये देखिए ठंडा हो चुका है, और अब देखिए ये चॉकलेट की कंसिस्टेंसी, ये देखिए कितना स्मूथली ये चम्मच से नीचे गिर रहा है। तो ये जब ठंडा हो जाता है तो ये इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से हो जाती है। अब हम इस पे एक एक बिस्किट डिप करते जाते हैं इस तरीके से। दोनों तरफ हमें चॉकलेट को इसकी लेयर इसके ऊपर लगा देनी है,
और इस तरीके से फॉक की मदद से अब हम इसे धीरे से आपको हल्का सा टेढ़ा करके इसकी एक्स्ट्रा चॉकलेट हटा देनी है। इस तरीके से मैं सभी बिस्किट को चॉकलेट में कवर कर देती हूँ। ये सब अब हो चुके हैं तो अब इसे मैं 10 मिनट के लिए फ्रीजर में फिर से रख देती हूँ जिससे इसकी चॉकलेट सेट हो जाए। ये देखिए ये चॉकलेट इसकी बिल्कुल सेट हो चुकी है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, ये है ना बिल्कुल चोको पाई जैसी। तो ये आप बना के खिलाइए, बच्चों को बहुत पसंद आएगी और इसका टेस्ट वाकई बहुत लाजवाब होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।